हार्ट अटैक हो या फिर दिल से जुड़ी कोई भी बीमारी, उसके इलाज के लिए आरटीओस हॉस्पिटल है ना। आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसी से पहले, ठीक शाम 5 बजे से पहले, तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के द्वारा आज रोड शो कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया। संजय बेनीवाल के द्वारा भी रेलवे रोड से लेकर के समालखा के तमाम बाजारों से होते हुए प्रदर्शन किया गया, रोड शो किया गया। सबसे पहले आज कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के और कैसा ये आपका प्रदर्शन रहा, रोड शो रहा? जीत को लेकर तो मैं, जब मेरे भाई मेरे साथ लगे ना, जिस दिन मैं फार्म भर के आया उस दिन आश्वस्त हो गया था। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं लोगों से अपील करता गया, मेहनत करता गया, तो मेहनत रंग लाने लगी। अब देख लो ये रंग आपने देख लिया, बाद अगर मेहनत क्या रंग लाई है। सारे भाई दिन रात लगन लगे हुए हैं मेरे बगैर। कहीं मैं जाता हूँ ना कहीं, तो मेरे को ये कहते हैं भाई तेरी तो वोट फलाना मांग के चला गया। एक वोट के पास मेरे ख्याल से 10-10 आदमी जा लिए होंगे वोट मांगने के लिए। तो ये भाइयों का प्यारी तो है, बड़ों का आशीर्वाद ही तो है, और क्या है। पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, एक संजय पन्नू नाम का कोई बता रहा है कि भी उनके साथ मिलके रात को कोई वारदात की और उसको लेकर के आरोप है, उनकी तरफ से बयानबाजी की गई है, और चुनाव के वक्त कैसे देखते हैं इसको? संजय पन्नू और विधायक जी का कम से कम 2-2.5 साल से झगड़ा चल रहा है। आज तक तो संजय बेनीवाल बीच में आया नहीं था, अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो संजय बेनीवाल ने दीवार चढ़वा दी। ये बिल्कुल हताश हो चुके हैं, मेरे ख्याल से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, बगैर बात के बयानबाजी करते हैं। इनको ना आप मेरे को बदनाम करने का कोई इन्हें पालना तो मिल नहीं रहा, कुछ ना कुछ झूठे आरोप, सच्चे आरोप, पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी। तो मैं ऐसी गंदी राजनीति कभी नहीं करता और ना राजनीतिक आदमी हूँ मैं, तो उसकी ना दिमाग पे, उसकी सोच पे ये करता हूँ। कितने बड़े आदमी हो गए, अभी विधायक बन के भी छोटी छोटी हरकतें करते हैं, पता नहीं कैसे इंसान है, समझ में नहीं आया। छोटे छोटे 4-5 बच्चों की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक सिटी तहलका के संदीप शर्मा यानी मैं और एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने आप को संजय बेनीवाल बता रहे हैं। इंटरव्यू चल रहा है, एक नेता और एक पत्रकार मशहूर हो चुके हैं समालखा के अंदर, और कैसे देखते हैं ये वायरल वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? मैंने भी कल देखी है वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो लगी। और देख लो आप, मान लो कि जब बच्चों में इतना जोश है तो बड़े बुजुर्गों में कितना जोश होगा। आज कम से कम 2.5 घंटे मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे बच्चे, बिल्कुल सबके कपड़े गीले हो गए। मतलब मेरा भाईचारा बधाई है घटा नहीं, 2 घंटे तक आदमी नहीं टूटे। मेरे भाई मेरे साथ खड़े रहे और उनको देख के मैं खड़े रहा, इतना हौसला बढ़ाना। इनके मैं चरणों में नमस्कार करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सारे संभाल की जनता को, भाईचारे को, काम को, आंड को, जितने भी साथी लगे हुए हैं जो दिल से दुआ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सबका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 19 तारीख के लिए क्या कहेंगे लोगों से? मैंने तो आज अपने साथियों से ये कहा था कि आधा चुनाव तुम्हारा आज है, वो तुम जीत चुके हैं आधा, तो बाकी बचा 19 तारीख का। 19 तारीख को भी माता रानी और ये मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना मेरे को। 19 तारीख को आप ना मुत्थों पे रौनक देख लेना, और वो जब वोट डाल देंगे सारे भाई तो फिर वो बता भी देंगे कहाँ डाल के आए, आपका सर्वे बता देगा। चुनाव चिन्ह कुर्सी है, कुर्सी को भाइयों ने ये कहा है कि अपनी कुर्सी हम दूसरे को नहीं देंगे, अपने पास ही रखेंगे। मेरी माताएं इतने जोश में है, मेरी बहनें इतने जोश में है कि वह कहती है बेटे वोट मांगना मत, अगर हमारा अपना कुर्सी पकड़ लिया अपनी, हम छोड़ना ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों से भी अपील रहेगी समालखा वासियों से कि आप आने वाली 19 तारीख को वोट करने जरूर जाएं और इसको पर्व के रूप में लें। हर कोई, एक एक वोट हर प्रत्याशी के लिए जरूरी है, और अपने कीमती वोट का सदुपयोग करें, उसका सही जगह आप इस्तेमाल करें और अच्छा प्रत्याशी चुनें। बहुत बहुत शुक्रिया। सहयोगी रतनलाल के साथ मैं संदीप शर्मा, नमस्कार। काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम, बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।